93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। आपका अपार्टमेंट हो या आपकी ऑफिस की बिल्डिंग, एक सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे आपका वक्त बड़े सुकून से गुजरता है। पर कभी सोचा है कि अगर सिक्योरिटी को सिक्योरिटी की जरूरत हो तो, या फिर सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ ना कर पाए तो? एक ऐसी ही अजीब घटना हुई शिवानी ट्रेडिंग हाउस बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में नीचे के दो फ्लोर्स पे ऑफिसेस थी और ऊपर सिक्स्थ फ्लोर पे ऑफिस थी और बीच में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर हमेशा खाली रहते थे। भोले भटके कभी कोई ऑफिस खुली भी तो महीने भर से ज्यादा चल नहीं पाई जी। अब तो आलम यह था कि लिफ्ट सिर्फ दूसरे और छठे तल्ले पर ही रुकती थी और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर के लिफ्ट के दरवाजे के सामने बड़ा सा ताला लगा था। शहर के प्राइम लोकेशन पर बिल्डिंग हो और उसके तीन फ्लोर खाली पड़े हों तो चार बातें होंगी और धीरे धीरे वो बिल्डिंग भूतिया बिल्डिंग के नाम से मशहूर भी हो गई। धीरज की यहां सिक्स्थ फ्लोर पे नई नई नौकरी लगी थी और उसके सीनियर्स और बॉसेस ने कहा कि कभी भी नीचे के फ्लोर पे रात को ना जाए। धीरज को भी कोई शौक नहीं था किसी भी तरह की प्रॉब्लम में पड़ने का, क्या पता किसी ने बॉस को बता दिया तो नौकरी पे बन जाएगी। आज धीरज की नाइट ड्यूटी थी। अपनी सीट पे बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि उसने महसूस किया कि रात को कितनी शांति थी हर तरफ। रह रहकर किसी जाती हुई गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती। वो अभी पेपर पढ़ ही रहा था कि किसी ने उसका नाम नीचे से पुकारा, धीरज। देर रात इस समय कौन हो सकता है जो उसका नाम पुकार रहा था? ये देखने के लिए धीरज सीढ़ियों से होता हुआ पांचवें तल्ले पर गया। लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर पे रुकी हुई थी लेकिन इस वक्त आवाज फोर्थ फ्लोर से आई। धीरज। धीरज दौड़ता हुआ फोर्थ फ्लोर में गया तो लिफ्ट भी फिफ्थ फ्लोर से फोर्थ फ्लोर में आकर रुकी और आवाज थर्ड फ्लोर से आई। धीरज। इस बार धीरज ने पूरी हिम्मत जुटाई और थर्ड फ्लोर पे जा पहुंचा। लिफ्ट के सामने दोनों तरफ दो दरवाजे थे जिन पर ताला लगा था। इस बार ना ही लिफ्ट नीचे गई और ना ही किसी ने उसका नाम पुकारा, बस दरवाजे के अंदर से एक आवाज आई। धीरज ने पलट कर दरवाजा खटखटाकर इसका जवाब दिया और उसके बाद मानो यह सिलसिला लगातार कई देर तक चलता रहा। जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गईं और धीरज को समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है, नहीं तो बंद दरवाजे से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है, धीरज ने आफ देखा ना ताव सीधा ऊपर की ओर भागा। ऊपर की ओर भागते वक्त धीरज के पैरों की आवाज आ रही थी और जैसे जैसे उसने फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर को पार किया वही ताली की आवाज उसे वहां भी सुनाई दे रही थी, मानो जैसे वो आवाज धीरज का पीछा कर रही हो। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। धीरज ने शहर के सबसे प्राइम लोकेशन में एक बिल्डिंग जिसका नाम है शिवानी ट्रेडिंग हाउस, वहां एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करना शुरू किया था। इस बिल्डिंग के सिर्फ सेकंड और सिक्स्थ फ्लोर में ऑफिसेस थीं और बाकी सारे के सारे फ्लोर्स खाली थे, जिस कारण लोग इसे हॉन्टेड बिल्डिंग के नाम से भी जानते थे। नाइट ड्यूटी करते वक्त धीरज ने सुना
कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। धीरज। जब थर्ड फ्लोर पहुंचा तो बंद दरवाजे के अंदर से उसने एक आवाज सुनी। धीरज ने तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ लगाई और इस बार वो आवाज फोर्थ एंड फिफ्थ फ्लोर से भी आ रही थी। मानो जैसे वो आवाज धीरज का पीछा कर रही हो। सिक्स्थ फ्लोर पर पहुंचकर धीरज ने पहले तो पूरी ऑफिस की लाइट चलाई और फिर अपना मुंह हाथ धोकर वापस रिसेप्शन में आकर बैठा। थोड़ी ही देर में उसके साथ में नाइट ड्यूटी पर रहने वाला दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी आया तो धीरज ने बताया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो थोड़ी देर सोना चाहता है। धीरज ने कारपेट पर चादर बिछाई और लेट गया। जमीन पे सोने से नीचे के फ्लोर की सारी आवाजें उसे साफ सुनाई दे रही थी। धीरज को हल्की हल्की नींद में सुनाई दिया। आवाज ऐसी थी जैसे बॉल नीचे वाले फ्लोर की जमीन पे नहीं बल्कि छत पे गिरी हो। यह सुनकर धीरज चौंकते हुए उठा तो उसने बॉल की जमीन पर गिरने की आवाज साफ साफ सुनी जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को सुनाई ही नहीं दी। धीरज को लगा कि ये सब शायद उसका वहम है, लेकिन उसका वहम यकीन में तब बदला जब दोबारा वो सोने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने कानों में एक आवाज फर्श की दूसरी तरफ से सुनी। कान ऐसे ही जमीन से चिपका के सोए रहना, उठना मत। तू उठा तो मैं गिर जाऊंगा। धीरज को किसी ने जोर से धक्के से जगाया और चिल्लाया, अबे क्या बड़बड़ा रहा है नींद में धीरज, पागल हो गया क्या? धीरज उठते के साथ ही अपनी कमर पकड़ के जोर से चीखा, उसे ऐसा दर्द हो रहा था जैसे वो कहीं से गिरा हो और उसे बहुत चोटें आई हो। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद में दर्द कुछ कम हुआ तो धीरज वापस सोने के लिए लेटा। करवट बदलने पे जैसे ही कान जमीन से सटा तो आवाज सुनाई दी, दोबारा कान मत हटाना। धीरज ने तुरंत अपने साथी से कहा, भाई तू नीचे जाके देख कि मैं जहां पर सो रहा हूं उसके ठीक नीचे कौन है, और सुन मैं तुझे फोन कर रहा हूं, तू लाइन पे रहना, काटना मत। धीरज का साथी नीचे गया और फोन पे कहा, मैं नीचे हूं, केवल से अंदर झांक रहा हूं लेकिन यहां अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कि ठीक तभी धीरज ने एक आवाज अपने फोन पर सुनी। उसकी चीख के तुरंत बाद ही फोन कट गया। धीरज दौड़कर नीचे गया तो देखा पांचवें तल्ले के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। कमरा पूरी तरह से खाली था और अंदर बत्ती चल रही थी। धीरज ने हिम्मत जुटाई और अंदर घुसकर पूरे घर को अच्छे से देखा। उसे कहीं भी उसका दोस्त दिखाई नहीं दिया। जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था तब उसकी नजर गई कमरे की छत पर और वो नजारा देख पहली बार धीरज अंदर तक सहम गया था। छत पर किसी आदमी के हाथ और पैर के निशान थे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ।
धीरज की ड्यूटी आज रात को शिवानी ट्रेडिंग हाउस के 6th फ्लोर में पड़ी थी और इस बिल्डिंग को लोग भूतिया बिल्डिंग के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इस बिल्डिंग के 3rd, 4th and 5th फ्लोर में, इस बिल्डिंग के प्राइम लोकेशन में होने के बावजूद कोई ऑफिस नहीं थी। धीरज जब फर्श पर सो रहा था तो उसने अपने कान में एक आवाज सुनी जो फर्श के उस तरफ से आई थी। कौन ऐसे ही जमीन से चिपका के सोए रहना, उठना मत। तू था तो मैं गिर जाऊंगा। धीरज का साथी धीरज के कहने पर 5th फ्लोर गया और वापस आई तो बस उसकी चीख, जिसे सुनकर धीरज दौड़ कर गया। 5th फ्लोर का दरवाजा खुला था और अंदर कुछ भी नहीं दिखा कि तभी धीरज की नजर छत पर गई, जहां किसी के हाथ और पैर के निशान कुछ यूं बने हुए थे, मानो जैसे कोई वहां चिपका हुआ हो। धीरज ने हड़बड़ी में दरवाजा बंद करने की कोशिश की और उसकी ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि जब वो दरवाजे को बाहर की तरफ खींच रहा था, ठीक उसी वक्त कोई ना दिखाई देने वाली ताकत उस दरवाजे को अंदर की तरफ खींच रही थी। धीरज ने काफी देर उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करी और जब परेशान हो गया तो उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। उसने तुरंत दरवाजे पर से अपना दबाव छोड़ दिया और ऐसा करते के साथ ही किसी के अंदर गिरने की आवाज आई। धीरज ने तुरंत दरवाजे को बंद किया और कुंडी लगाई ही थी कि अंदर से किसी के दरवाजे को थपथपाने की आवाज वो सुन पा रहा था। यहां जो कोई भी था वो धीरज को दिखाई तो नहीं दिया, पर उसकी उपस्थिति को धीरज ने महसूस जरूर किया था। वो दौड़ता हुआ ऊपर गया और साथ ही वो आवाज भी पीछे से उसके आती रही। वो अपनी ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंचा ही था कि रिसेप्शन से अंदर ऑफिस जाने का दरवाजा खोला और उसका साथी नाइट गार्ड बाहर निकला। धीरज उसे देखते के साथ ही चिल्लाया, तुम यहां कैसे? तुम तो नीचे गए थे। सिक्योरिटी गार्ड ने हंसते हुए कहा, लगता है आज तुम ड्यूटी पर दारू पीकर आए हो। मैं पिछले 15 मिनट से अंदर हूं। धीरज की नजर तुरंत अपने फोन पर गई तो लास्ट डायल्ड नंबर उसके घर का था, वो भी 4 घंटे पहले का। ये सारी बातें धीरज को हैरत में डाल रही थी और उसे लग रहा था कि क्यों लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। परेशान होकर धीरज ने वही किया जो लोग लिटरली फ्रस्ट्रेशन में करते हैं। वैसे तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पर धीरज को इसकी लत लगी हुई थी। सीढ़ियों पर जाकर उसने सिगरेट मुंह में डाली ही थी कि अंधेरे में किसी ने उसकी सिगरेट जला दी। मोबाइल की रोशनी में उसने देखने की कोशिश की पर दिखाई कुछ भी नहीं दिया, बस सीढ़ियों से किसी के नीचे भागने की आवाज आई। धीरज जाना तो चाहता था पर उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी सिगरेट तुरंत बुझाई और रिसेप्शन में अंदर आकर इस बार अपने साथी से कहा कि एक बार फर्श पर लेट कर देख, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। उसके साथी ने वैसा ही किया जैसा धीरज ने कहा, पर उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यह सुनकर धीरज की सांस में सांस आई कि शायद ये सब उसका वहम है और वो दोबारा फर्श पर लेट गया। कान लगाते के साथ ही दूसरी तरफ से आवाज आई, बहुत मुश्किल से
दोबारा ऊपर चढ़ा। अब की बार कान हटाया तो रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। धीरज के साथ नाइट ड्यूटी के दौरान हो रही थी कुछ ऐसी घटनाएं जो उसके विश्वास से भी परे थी। फर्श पर सोते वक्त जब कान वो फर्श से लगाता तो नीचे वाले फ्लोर की छत से आवाज आती। इस बार जब उसने कान दोबारा लगाया तो फिर से आवाज आई। बहुत मुश्किल से दोबारा ऊपर चढ़ा। अब की बार कान हटाया तो ये सुनते के साथ ही धीरज हड़बड़ा कर उठा और अपने साथ काम कर रहे सुनील को उसने आवाज लगाई। सुनील, सुनील। सुनील दौड़ा दौड़ा आया और धीरज से पूछा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? पर हैरानी की बात यह थी कि धीरज को ना तो अपनी आवाज ना ही सुनील की कही हुई बातें सुनाई दे रही थी। उसने बार बार अपने कान पर जोर जोर से मारा पर फिर भी उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, मानो जैसे वो अपने कानों से बहरा हो गया था। वो पागलों की तरह चीखता रहा पर अपनी आवाज नहीं सुन पाया। तंग आकर वो वहां से भागा और सीढ़ियों के रास्ते जैसे जैसे वो हर एक माले को पार कर रहा था कमरों के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे। वो दरवाजे जिन पर ताला लगा था और जैसे ही वो तीसरे माले पर पहुंचा उसकी आंखें अटक गई क्योंकि तीसरे माले पर प्लास्टिक की एक गेंद सीढ़ियों के ऊपर टप्पा खाते हुए धीरज की ओर आ रही थी। धीरज पलटा और उसने ऊपर की ओर दौड़ना शुरू किया और वो गेंद उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही धीरज छठे माले पर पहुंचा उसने एक बार पलट कर देखा तो वो प्लास्टिक की गेंद बड़ी जोर से उसकी तरफ आई और उसके पैरों से टकराई। पहले से ही डरा हुआ धीरज इस टक्कर के कारण लड़खड़ा कर गिर गया और उसके कान एक बार फिर से फर्श पर थे। इस बार उसने आवाज सुनी, अब की बार कान हटाया तो तुम भी हमारे साथ खेलोगे? धीरज ने अपने कान इस बार वहीं लगाए रखे और सुनील के कहने पर भी उसने अपने कान नहीं हटाए। और वैसे भी उसे सुनील की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस रोते रोते बोल रहा था, अगर मैंने कान हटाया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने यहाँ जॉब ज्वाइन करी। लोगों ने मना किया था मुझे कि तीसरे चौथे और पांचवे वाले पर मत जाना, फिर भी मैं गया। रात की सुबह हो गई पर धीरज वहीं लेटा रहा। धीरे धीरे ऑफिस में लोगों का आना शुरू हुआ पर धीरज का ये पागलपन देखकर सब हैरत में थे। धीरज ने वहीं लेटे लेटे उसके साथ घटी सारी घटना के बारे में ऑफिस के लोगों को बताया पर उठने को वो तैयार नहीं था। लोगों के जब काफी समझाने के बाद भी वो नहीं उठा
तो ऑफिस के मालिक ने दूसरे सिक्योरिटी वालों से कहा कि इसे धक्के मारकर यहां से बाहर निकालो और कल से मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने जब उसे उठाया तो उसे उठाते के साथ ही धीरज ने अजीब सी आवाज की। और उसके कुछ देर बाद ही धीरज की सांसें बंद पड़ गई। उसकी मौत एक रहस्य बनी हुई है, जबकि मौत की सच्चाई सबको मालूम है। आज रात सोते वक्त अपने कान फर्श पर मत लगाइएगा, क्या पता कहीं आपको भी कुछ सुनने को मिल जाए। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।